भाई तुम मुझसे नाराज हो? कि तुमसे किसने कहा है? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैं तुमसे खफा हूँ कभी? मैं मुझसे आपके रवैये की माफी मांगती हूँ तुमसे। मुझसे बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैं कल से बहुत अजियत में हूँ दाई। पागल हो तुम? इतनी जल्दी तुम फॉर्मल हो गई? हाँ, तुम्हें दिन ही कितने हुए अभी अपने घर गए हुए? मैं वही दाई हूँ यार जिससे तुम लड़ती थी, झगड़ती थी, मारती थी और रोब जमाती थी। ये रोना वोना बंद करो प्लीज। ये देखो, सारी नाक और आंसू एक जैसे हो गए। जा बस, चलो अब अंदर चलते हैं। तुमने ना ये चिकन समोसे ट्राई किए और ये लो रोल ट्राई करो, बिल्कुल अभी फ्रेश फ्राई होके आए। अम्मा मैं खा खा के फट ना जाऊं। अरे अच्छी बातें मुंह से निकालते हैं, कुछ भी कहती हो। आपने मुझे इतना कुछ खिला दिया, ये समोसे पकोड़े केक, और अब आप कह रही मैं रोल भी खाऊं। खा खा के वैसे मेरी नियत नहीं भर रही, लेकिन अम्मा अब बहुत खा लिया मैंने बस। खा ले बेटा खा ले, तुम्हारे तुफैल आज हमें भी मिल रहे हैं, शामी कबाब और ये समोसे। वरना तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ ने दुखों के नाम पे हम बाप बेटे को तो खिलाना ही भूल गई थी। ये तो शुक्र है आज ये वेजिटेबल पकौड़े बन गए। कितने दिन हो गए खाए हुए बताओ? अबा प्लीज ये ना करें, इतने मजे मजे के खाने बनाती हैं, और वैसे भी टी पार्टी का काम दुआ का था, भूल गए आप? कैसे भूल सकते हैं भाई, ना बेटियां भूली जाती हैं और ना ही उनकी टी पार्टियां। अम्मा मैं सोच रहा था कि रात में खाने में कोरमा करें। दुआ को मटन कोरमा बहुत अच्छा लगता है, क्यों दुआ? यस प्लीज। जिसको जो जो खाना है बता दो, मैं सब खाना बनवा लूंगी। इतने दिनों बाद तो लग रहा है कि घर में बहार आई है। अच्छा ये बताओ अभी रुकोगी ना बेटा कुछ दिन? जी जी अब्बा मैं यही हूँ। मम्मी असल में गई हुई इस्लामाबाद अपने किसी काम से, एक महीने बाद ही वापिस आएंगी, तब तक मैं आप लोगों के पास हूँ। अरे इसका मतलब है कि रमजान भी हम साथ ही गुजार रहे हैं। अरे वाह यस मजा आएगा। खा लेना ट्राई करो ना। नहीं नहीं बस अब मैं सिर्फ चाय पीऊंगी और चाय की भी जगह नहीं बची वैसे आपस की बात है, लेकिन अब अम्मा ने बनाया।